क्वेश्चन बहुत सॉल्यूशंस देख रहे हैं क्लास 11 चैप्टर 13 कॉम्प्लेक्स नंबर्स एक्सरसाइज है 13.2। अब यहां पर है एक्सप्रेस द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर इन द स्टैंडर्ड फॉर्म ए प्लस आई बी। तो सबको हमको ए प्लस आई बी फॉर्म में लिखना है, बनाना है। पहला है 1 प्लस आई और 1 प्लस 2 आई, तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए सीधा। 1 को मल्टीप्लाई करिए 1 प्लस 2 आई से और आई को मल्टीप्लाई करिए 1 प्लस 2 आई से। 1 प्लस 2 आई तो यहां आ जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई होगा, आई से मल्टीप्लाई होगा तो आई इंटू टू इंटू आई स्क्वायर, तो ये आई स्क्वायर हो जाएगा माइनस वन, मतलब माइनस टू बनेगा ये। और ये टू आई और आई हो जाएगा थ्री आई, वन प्लस थ्री आई माइनस टू, और वन माइनस टू होगा माइनस वन, तो माइनस वन प्लस थ्री आई। अगला जो है इसमें ध्यान रखिएगा, जब भी आपका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर हो तो डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि रैशनलाइज करेंगे इसको। तो थ्री प्लस टू आई है, माइनस टू प्लस आई है, तो इसमें क्या करते हैं कि ये जो नीचे वाला टर्म है उसके नेगेटिव यानी कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये आई वाले टर्म को माइनस करते हैं हम। जैसे ये थ्री प्लस टू आई तो है, माइनस टू प्लस आई है, तो मल्टीप्लाई करेंगे उसमें होगा माइनस टू माइनस आई, तो माइनस टू माइनस आई, माइनस टू माइनस आई, यानी ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये मल्टीप्लाई कर लीजिए, ए प्लस आई बी ए माइनस आई बी, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, क्योंकि इसको मल्टीप्लाई करके देख लीजिए ये इसका बनेगा। मैं बना के बता के कर देता हूँ इसको, ये ए प्लस आई बी ए माइनस आई बी है, तो ये होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आई स्क्वायर क्या होगा माइनस वन, माइनस माइनस प्लस, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बनेगा ये। तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब हम कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आता है, यानी कि रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर ऐड कर दीजिए। ऊपर मल्टीप्लीकेशन से ये बन रहा है, नीचे आपका सीधा माइनस टू का होल स्क्वायर और ये आई का होल स्क्वायर और साथ में प्लस आएगा, तो ये फोर हो गया, ये आपका आई स्क्वायर माइनस वन है, माइनस माइनस प्लस हो गया आपका। तो इस तरीके से ये जो ऊपर वाला टर्म है इसको हम सॉल्व करेंगे, तो माइनस फोर माइनस सेवन आई बाय फाइव, तो इसको अलग लेंगे, इसको अलग लेंगे, माइनस फोर बाय फाइव अलग आएगा, माइनस सेवन बाय फाइव अलग आएगा। इस तरीके से ये ए प्लस आई बी फॉर्म में हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। नेक्स्ट है वन बाय टू प्लस आई का होल स्क्वायर, तो सबसे पहले टू प्लस आई स्क्वायर को खोल देंगे, जो भी इसका सोल्यूशन होगा उसको फिर कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे। कहने का मतलब ये कि पहले टू प्लस आई का होल स्क्वायर को यानी कि ए प्लस बी होल स्क्वायर से खोल लीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, तो ये फोर हो गया, ये आई स्क्वायर हो गया माइनस वन, टू इंटू टू फोर आई हो गया, फोर माइनस आई थ्री, थ्री प्लस फोर आई। अब थ्री प्लस फोर आई ये आपका जो भी एक रैश जो नंबर आया है कॉम्प्लेक्स नंबर, इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको नीचे वाले को रैशलाइज करते हैं, तो ये जो आई वाला टर्म है इसको माइनस करके यहाँ रख देंगे। थ्री प्लस फोर आई है तो थ्री माइनस फोर आई ऊपर नीचे। अब जैसे मैंने बताया आपका इसका क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि थ्री स्क्वायर प्लस फोर, फोर आई होल स्क्वायर, थ्री स्क्वायर प्लस फोर आई होल स्क्वायर है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ये थ्री माइनस फोर आई नीचे आया, यहाँ देखिए थ्री थ्री जो नाइन और फोर फोर जो सिक्सटीन। अब इसमें क्या हुआ, जैसे अगर मैं आपको बताऊँ ए प्लस ए, ये जो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जैसे ए स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर बी स्क्वायर, जैसे मैंने अभी बताया था आपको आई स्क्वायर माइनस वन होगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा। अब जैसे मैं अगर इसको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करता हूँ, देखिएगा थ्री स्क्वायर और थ्री स्क्वायर हो गया नाइन स्क्वायर, और बी क्या है आपका फोर, बी है फोर, तो फोर स्क्वायर, थ्री स्क्वायर प्लस फोर स्क्वायर कितना हो गया नाइन प्लस सिक्सटीन, ट्वेंटी फाइव हो गया। अब इसको अलग कर लीजिए थ्री बाय ट्वेंटी फाइव, इसको फोर बाय ट्वेंटी फाइव को अलग कर लीजिए, ये इसका सोल्यूशन होगा। अब वन माइनस आई बाय वन प्लस आई, इसमें ऊपर नीचे सीधा आपको इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देना है, यानी कि ऊपर नीचे आप वन माइनस आई, वन माइनस आई से मल्टीप्लाई करेंगे। ऊपर वाला तो वन माइनस आई का होल स्क्वायर है, इसको ए प्लस बी होल स्क्वायर से खोल लीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए माइनस बी होल स्क्वायर से खोल लीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। नीचे वाला जो है इसमें सीधा वन स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि वन स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वन स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वन स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर, वन ये है वन ये है, वन प्लस वन टू हो जाएगा, ये टू नीचे आ जाएगा। अब ये देखिए ऊपर जो हमने किया तो आई स्क्वायर माइनस वन आ गया, ये कैंसिल हो गया, केवल माइनस टू आई बचा, और नीचे टू था ही, ये दोनों कैंसिल हो गया, माइनस आई आ गया। अब इसको माइनस आई तो नहीं लिख सकते क्योंकि हमको ए प्लस आई बी फॉर्म में लिखना है, तो इसको लिखेंगे जीरो प्लस जीरो माइनस आई इंटू वन, तो ये जीरो माइनस आई इस फॉर्म में लिखेंगे क्योंकि ए प्लस आई बी फॉर्म में लिखना है। नेक्स्ट है टू प्लस आई का होल क्यूब बाय टू प्लस थ्री आई। अब ए प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला ये होता है, ए में आप रखेंगे टू, बी में आप रखेंगे आई, ए प्लस बी होल क्यूब फॉर्मूला से खोलेंगे तो ये इसका फाइनल टर्म ये आएगा। अब नीचे टू प्लस थ्री आई है, टू प्लस थ्री आई है तो ऊपर नीचे आप टू माइनस थ्री आई, टू माइनस थ्री आई से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब ये मल्टीप्लाई करेंगे और थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, ध्यान रखिएगा आई स्क्वायर माइनस वन रखना है, तो ये सोल्यूशन पे ये टर्म आएगा 37/13, 16/13। ये केवल एक मल्टीप्लीकेशन है, जैसे हम जब नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन करते थे यहाँ पर हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे, बस ये ध्यान रखेंगे आई स्क्वायर को माइनस वन रख देना है। यहाँ पर भी कुछ इसी तरीके से है, आप सबसे पहले क्या करेंगे ऊपर वाले को, इसको वन इंटू वन प्लस रूट थ्री आई,
फिर आई इंटू वन प्लस रूट थ्री आई, इसको पूरा मल्टीप्लाई कर लीजिए। पूरा मल्टीप्लाई करने के बाद आपका ये टर्म आएगा, नीचे वन माइनस आई है। अब इस वन माइनस आई को आपको हटाना है, तो आप वन प्लस आई से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे एक एक टर्म को, और नीचे तो आपका सीधा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि वन स्क्वायर, यहाँ पर भी वन है, बी वन है, ए वन है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वन स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर आपका टू आ गया यहाँ पे। और ऊपर मल्टीप्लीकेशन करेंगे, थोड़ा सा रिजॉल्व करेंगे इसको, जो जो कैंसिलेशन हो सकते हैं वो कैंसिलेशन कर देंगे, जैसे रूट थ्री कैंसिल हो रहा है, इसी तरीके से आपका वन वन कैंसिल हो रहा है, तो ये इसको रिजॉल्व करेंगे, तो ये टू रूट थ्री प्लस टू आई, टू टू ऐसे कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस रूट थ्री प्लस आई, ये इसका सोल्यूशन है। टू प्लस थ्री आई और फोर प्लस फाइव आई, तो इसमें कुछ नहीं करना है, फोर माइनस फाइव आई यानी कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना है। इसको हम कहते हैं रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। नॉर्मल भी नॉर्मल जो हम पी बाई क्यू फॉर्म पढ़ रहे थे और उसमें भी हमने इसी तरीके से किया था, तो यहां पर भी इसी तरीके से करेंगे। तो यहां हो गया आपका, ये सीधा मल्टीप्लाई करिए, थोड़ा सा रिजॉल्व करेंगे इसको, नीचे आपका फोर स्क्वायर प्लस फाइव स्क्वायर आ जाएगा, और ये थोड़ा सा इसको जैसे 8 और 15 को जोड़ देंगे और 12 माइनस 10 को, तो ये टर्म आ जाएगा, इसको अलग कर लीजिए, इसको अलग कर लीजिए, 23 बाय 41 और 2 बाय 41 इसका उत्तर आएगा। नेक्स्ट मैंने आई माइनस वन माइनस आई का होल क्यूब, मैंने ए माइनस बी का होल क्यूब, तो होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस थ्री ए बी ए माइनस बी, सब माइनस में होता है इसमें। तो इसमें पहले ए की जगह वन रख दीजिए, बी की जगह आप आई रख दीजिए, इसको खोल दीजिए और थोड़ा रिजॉल्व करेंगे। वन माइनस आई क्यूब, आई क्यूब देखिए, आई क्यूब जो होता है माइनस आई के बराबर होता है, आई क्यूब को आप लिख सकते हैं आई स्क्वायर इंटू आई, इसको माइनस वन होता है तो माइनस आई हो गया, इसकी जगह आप सीधा माइनस आई रख दीजिए, तो वन माइनस और माइनस आई वन प्लस आई हो गया, और वन प्लस आई हो गया इसका। अब इसमें क्या है कि आपको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, रैशनलाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसका कारण क्या है, जब आप ऊपर वाले को रिजॉल्व करेंगे आप देखेंगे यहाँ वन प्लस आई आया, वन प्लस आई आया, यहाँ से आप माइनस थ्री कॉमन ले लेंगे, यानी कि वन प्लस आई यहाँ से माइनस थ्री कॉमन ले लीजिए, वन प्लस आई इस तरीके से कर सकते हैं, या फिर पहले आप एक और काम कर सकते हैं, वन माइनस थ्री ये माइनस टू हो गया, और माइनस आई माइनस आई माइनस माइनस थ्री हो गया माइनस टू आई, अब इससे हम माइनस टू कॉमन ले लीजिए, तो क्या बनेगा, वन नीचे वन यहाँ पर आ जाएगा और प्लस आई, तो इससे क्या होगा, वन प्लस आई नीचे था आई, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो माइनस टू बना, माइनस टू के साथ जीरो आई जोड़ दीजिए ताकि ए प्लस आई आई बी फॉर्म में दिखा सकें, यही उसका उत्तर है। वन प्लस टू आई इसकी पावर माइनस थ्री है, तो पहले तो इसको नीचे ले आइए, जेड किसी भी एक्स की पावर माइनस थ्री आपका वन बाय एक्स की पावर थ्री होता है, जो माइनस होता है वो नीचे प्लस में हो जाता है, तो यहाँ तक तो ठीक है। अब आप सीधा आप ए प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला हम ऑलरेडी देख चुके हैं, ए प्लस बी क्यूब फॉर्मूला ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस थ्री ए बी ए प्लस बी, उसे खोल दीजिए, ए में आप वन रखेंगे, बी में आप टू आई रखेंगे, फिर थोड़ा सा रिजॉल्व करेंगे, ध्यान रखिएगा आई क्यूब की जगह माइनस आई रखना है, आई स्क्वायर की जगह माइनस वन रखना है, ये जब रिजॉल्व कर लेंगे, जैसे आई आई वाले टर्म साथ में जोड़ लीजिए, ट्वेल्व वन वाले साथ में जोड़ लीजिए, यहाँ तक आ गए। इसके बाद अब हम इसको रैशनलाइज करेंगे, यानी माइनस इलेवन प्लस टू आई और माइनस इलेवन प्लस टू आई ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे वाला तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया, माइनस ग्यारह का होल स्क्वायर और टू का होल स्क्वायर, और यहाँ पर माइनस ट्वेल्व प्लस टू आई आ गया। अब इसको थोड़ा सा ये नीचे वाला 125 आ जाएगा, माइनस इलेवन को 125 के साथ और टू को 125 के साथ अलग अलग लिख दीजिए ताकि ये ए प्लस आई बी फॉर्म में आ जाए। अब थ्री माइनस फोर आई है और बाय फोर माइनस टू आई इंटू वन प्लस आई, तो इसमें पहले तो मल्टीप्लाई कर लीजिए नीचे वाले को, नीचे वाले को मल्टीप्लाई करेंगे सीधा सिक्स प्लस टू आई आएगा, ऊपर नीचे सिक्स माइनस टू आई, सिक्स माइनस टू आई से मल्टीप्लाई कर दीजिए ताकि हम इसको रैशनलाइज कर सके, यही होगा नीचे तो सिक्स स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर आ जाएगा यानी कि आपका 36 और 4 40, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला टर्म आएगा, इससे थोड़ा सा 10 कॉमन ले लीजिएगा ताकि ये 10 और 4 मतलब 4 नीचे बचेगा, मतलब 4 10 4 जा 40, 1 माइनस 3 आई बाय 4, 1 बाय 4 को अलग कर लीजिए, माइनस 3 बाय 4 को अलग कर लीजिए, ये ए प्लस आई बी फॉर्म में या ए माइनस आई बी फॉर्म में आ गया। यहाँ जो टर्म है ये इसको मैं यहाँ बताता हूँ, सबसे पहले इसको अलग रहने दीजिए, इसको सॉल्व करेंगे, फिर इसका एलसीएम ले लीजिए, 1 प्लस आई ऊपर जाएगा, 2 इंटू 1 माइनस 4 आई इधर जाएगा और 1 माइनस 4 आई इंटू 1 प्लस आई नीचे मल्टीप्लाई होगा, इसको रिजॉल्व करेंगे और सीधा प्रॉपर मल्टीप्लीकेशन करेंगे, प्रॉपर मल्टीप्लीकेशन करके देखते हैं कहाँ तक ये रिजॉल्व होता है, तो ये इस जगह तक आप ले आएंगे इसको। अब ये जो टर्म है इसको ये भी है, 1 प्लस 4 5 हो गया और ये आई माइनस 4 आई माइनस 3 आई हो गया, तो इसको पहले मल्टीप्लाई कर दीजिए ऊपर वालों को और नीचे वाले को भी मल्टीप्लाई कर दीजिए, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करिए प्रॉपर, जब ऊपर नीचे मल्टीप्लाई हो गया तो यहाँ तक ये रिजॉल्व हो जाएगा। अब यहाँ पर आप 28 माइनस 10 आई आपके नीचे आ गया, इससे ज़्यादा रिजॉल्व नहीं हो सकता है, तब ऊपर नीचे आप कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि 20 प्लस 10 आई और 20 प्लस 10 आई से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, प्रॉपर मल्टीप्लीकेशन करना है, आप मल्टीप्लीकेशन आपके सामने है, नीचे 28 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर आएगा और इसको जब रिजॉल्व कर लेंगे तो बस ये 614 बाय 884 और 119 बाय 884, 2 से थोड़ा डिवाइड और कर लीजिए, 304 बाय 307 बाय 442 और 599 बाय 442, ये इसका ए प्लस आई पी फॉर्म है।
अब ये रूट वाला है 5 प्लस रूट आई 1 माइनस रूट आई, इसमें कुछ नहीं करना है, 1 माइनस रूट आई तो 1 प्लस रूट आई से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, ऊपर मल्टीप्लाई करिए नीचे तो 1 स्क्वायर और प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर आ जाएगा 1 प्लस 3 यानी कि 3 आ जाएगा। ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे थोड़ा रिजॉल्व करेंगे, 3 को एक साथ करेंगे 1 आएगा, 6 प्लस रूट 3 रूट 2 बाई 3 को 3 टू 6 2 रूट 2 आई, ये इसका सोल्यूशन हो जाएगा। अब आपको फाइंड द रियल वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई, इसमें एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है, ये जितने अभी 3-4 इसके पार्ट्स आएंगे। तो इसमें ये दिया हुआ है, पहला वाला जो दिया है इसमें एक्स प्लस आई वाई और 2 माइनस 3 आई को 4 प्लस आई दिया हुआ है, तो आप मल्टीप्लाई कर दीजिए x को 2 माइनस 3 आई से, y को आई वाई को इसके साथ 2 माइनस 3 आई के साथ, अब मल्टीप्लाई कर लीजिए इसको, ये 2x हो जाएगा, ये माइनस 3 आई एक्स हो जाएगा, ये आई वाई इंटू 2 हो जाएगा, ये आई वाई इंटू माइनस आई वाई इंटू 3 आई, और आई 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 स्क्वायर हो जाएगा, तो ये माइनस क्योंकि माइनस में आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसलिए आप 3y देख पा रहे हैं। अब आप क्या करें, यो 2x और 3y को एक साथ ले लें और ये आई वाला टर्म एक साथ ले लें, आई बाहर लेके आई बाहर ले लीजिए, ये माइनस 3x प्लस 2 आएगा। अब क्योंकि ये दोनों बराबर है तो रियल पार्ट को रियल के साथ जोड़ दी, मतलब इक्वेट कर दीजिए, 2x प्लस 3y 4 हो जाएगा और माइनस 3x प्लस 2y आई हो जाएगा, आई नहीं 1, ये 1 है, मैं यहाँ पर 1 लिख दूँ, 4 प्लस आई का मतलब होगा 4 प्लस 1 आई, तो 2 प्लस 3y 4 के बराबर और माइनस 3x प्लस 2y 1 के बराबर, ये 1 है यहाँ पे। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे, हम जानते हैं साइमल्टेनियस इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं, तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपका x 5/13 y आपका 14/13 आएगा। आई होप ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं, इसके डिस्कशन कई पेपर हो चुके हैं, तो ये आगे जितने भी पार्ट्स आ रहे हैं उसमें डायरेक्ट यही करना है। नेक्स्ट वाले में इसी तरीके से है, 3x माइनस 2y, पहले तो 2 प्लस आई का होल स्क्वायर, ए प्लस बी होल स्क्वायर से इसको खोल लीजिए, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये 4 हो गया, ये आई स्क्वायर माइनस 1 हो गया, ये 4i हो गया, तो अब क्या करना है, 4 माइनस 1 तो खैर 3 हो गया, तो 3 प्लस 4i हो गया, ये 3 प्लस 4i को मल्टीप्लाई करेंगे आप 3x माइनस 2y से, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करके जब इसको रिजॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे कि हमने जो i वाला टर्म है एक साथ ले लिया और i के बगैर वाला टर्म यहाँ ले लिया। अब इसको बस आपको इक्वेट करना है, 9x प्लस 8y आपका 10 हो जाएगा और 12x माइनस 6y आपका 10 हो जाएगा, मतलब रियल और इमेजिनरी पार्ट को इक्वेट करना है और फिर x और y को हमको सॉल्व करना है, x आपका 14/15 y आपका 1/5। इस वाले में पहले हम प्रॉपर इसमें LCM लेंगे, कहने का मतलब ये है कि 1 प्लस आई इंटू एक्स माइनस 2y को 3 माइनस आई से मल्टीप्लाई करिए, प्लस ये वाला पूरा टर्म इसको 3 प्लस आई से मल्टीप्लाई करिए और नीचे आएगा 3 प्लस आई इंटू 3 माइनस आई, 3 प्लस आई 3 माइनस आई तो कोई दिक्कत नहीं है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दीजिए इसमें, 3 3 9 9, 3 स्क्वायर मतलब 3 3 9 और माइनस आई स्क्वायर माइनस 1 होता है तो 9 प्लस 1 हो जाएगा, ये तो 10 आ जाएगा। ऊपर देखिए, ऊपर इसको आपको सॉल्व करना, मतलब प्रॉपर मल्टीप्लीकेशन सारे करने हैं और सारे प्रॉपर मल्टीप्लीकेशन करने के बाद ये आई से इक्वेट करना है, यानी कि जब हम पूरा मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे इसको तो हमारे पास जो भी संख्या आएगी वो यहाँ पर इस तरीके से आएगी, इस 10 को आप यहाँ ले जा लीजिए, इसको 10 आई कर दीजिए ताकि हम थोड़ा इसको इक्वेट कर सके। अब क्या करना है, ये जब हम रिजॉल्व कर लेंगे, आई वाले टर्म एक साथ रख लीजिए, बगैर आई वाले एक साथ रख लीजिए, ये रियल पार्ट हो गया, ये इमेजिनरी पार्ट हो गया, 4x प्लस 9i माइनस 3, यहाँ पर आप देखिए रियल पार्ट कुछ भी नहीं है तो जीरो से इक्वेट करेंगे, यहाँ पर आपका इमेजिनरी पार्ट है 2x माइनस 7y माइनस 3, या इमेजिनरी पार्ट है 10, तो इसको 10 से इक्वेट कर देंगे। अब x और y को सॉल्व करेंगे, x आपका आएगा 3, y आपका आएगा माइनस 1। ऐसी 1 प्लस आई है और x प्लस आई वाई है इक्वल टू 2 माइनस 5i, पहले तो मल्टीप्लाई कर दीजिए इनको, मल्टीप्लाई करेंगे जो x और y वाला टर्म एक साथ और i वाला टर्म एक साथ, तो x माइनस वाई हो जाएगा 2, x प्लस वाई हो जाएगा माइनस 5, ये दो साइमल्टेनियस इक्वेशन है, इसको सॉल्व करिए, x आपका माइनस 3/2, y इक्वल टू माइनस 7/2। ये मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ ये वाला सोल्यूशन क्योंकि ये हम 10th क्लास में बहुत तफसील से देख चुके हैं कैसे हम साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करेंगे। अब आपका जो है इसमें फाइंड द कॉन्जुगेट्स ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स, तो कॉन्जुगेट ये होता है कि आपका x प्लस आई वाई, इसमें बस ये y वाला टर्म है इसको नेगेटिव कर देते हैं, ये x माइनस आई वाई हो जाएगा, बस यही करना है। तो आपके पास z दिया हुआ है, जैसे आपका पहला जो इसमें है 4 माइनस 5y, तो 4 प्लस 5y हो जाएगा, ये जो 1/3 प्लस 5y है पहले इसको सॉल्व कर लेंगे उसके बाद कॉन्जुगेट निकालेंगे, तो ऊपर नीचे 3 माइनस 5y से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो नीचे तो आप ऊपर तो 3 माइनस 5y आ जाएगा, नीचे आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, तो ये आपका आ गया, ये 9 प्लस 25 34 होगा, तो 3/34 और ये हो जाएगा 5/34 आई, सो कॉन्जुगेट क्या होगा, बस माइनस कर दीजिए इसको, 3/34 ये माइनस है ना, ये माइनस है, तो ये आपका जो कॉन्जुगेट होगा उसको आप प्लस करेंगे, 3/34 प्लस 5/34 आई, बस ये
ये माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, प्लस यही कॉन्जुगेट का मतलब होता है, माइनस को प्लस कर दीजिए, प्लस को माइनस कर दीजिए आई वाले टर्म को, जहां जिसके साथ इमेजिनरी टर्म को आपको साइन चेंज करना है। नेक्स्ट वाला है वन बाय वन प्लस आई, सिमिलरली यही काम करेंगे, वन माइनस आई से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि पहले हमको इसको ए प्लस आई बाई फॉर्म में लाना पड़ेगा या एक्स प्लस आई वाई फॉर्म में लाना पड़ेगा, तब तो हम इसका कॉन्जुगेट निकालेंगे। तो हम ऊपर वन माइनस आई है, नीचे वन प्लस आई इंटू वन माइनस आई है, नीचे वन स्क्वायर प्लस आई वन स्क्वायर प्लस, क्योंकि इसके आगे वन है, वन स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर आ गया कि टू आ गया, ऊपर वन माइनस आई है, इसको अलग कर लीजिए वन बाय टू और माइनस आई बाय टू, इसका कॉन्जुगेट होगा, इसको प्लस कर दीजिए, बस ये आ जाएगा आपका 3 माइनस आई का होल स्क्वायर बाय 2 प्लस आई, 3 माइनस आई होल स्क्वायर को a प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूले से खोल दीजिए, इसको रिजॉल्व कर लीजिए थोड़ा सा, उसके बाद 8 माइनस सिक्स आई बाय 2 प्लस आई आएगा। अब 2 प्लस आई को हटाना है, ऊपर नीचे 2 माइनस आई, 2 माइनस आई, देखिए ये 2 प्लस आई को हम किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये z है, अगर 2 प्लस आई तो z बार है, z माइनस आई, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं बेसिकली, ऊपर नीचे 2 माइनस आई 2 माइनस, ऊपर नीचे 2 माइनस आई 2 माइनस से लीजिए, इसको प्रॉपर मल्टीप्लीकेशन करिए, नीचे वाला तो इसको प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा कि 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर आ जाएगा, इसको प्रॉपर मल्टीप्लाई करिए, थोड़ा रिजॉल्व करिए, 10 बाय 5 माइनस 20 बाय 5, अब ये तो फाइव से कैंसिल ही हो जाएगा, तो 2 माइनस 4 आई आ रहा है, इसका कॉन्जुगेट हो जाएगा 2 प्लस 4 आई, इस आई वाला जो टर्म होता है इमेजिनरी टर्म है ना, इसका साइन आपको बदल देना है, बस वही साइन बदल के आपको कॉन्जुगेट आ जाएगा, कॉन्जुगेट में केवल इमेजिनरी पार्ट का साइन बदल देना, दिस इज कॉन्जुगेट। नेक्स्ट वाला है ऊपर ऊपर प्रॉपर मल्टीप्लाई करिए, जब प्रॉपर मल्टीप्लाई करेंगे फिर रिजॉल्व कर लेंगे, फिर 3 प्लस आई नीचे आया, 3 माइनस आई, 3 माइनस आई से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको रिजॉल्व करेंगे, नीचे तो 3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर आ जाएगा, तो नीचे तो 10 आ रहा है, ऊपर 6 प्लस 8 आई आ गया, अब जरा 2 से और थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लीजिए, क्योंकि 6 8 10 3 और 2 से डिवाइड होते हैं, 2 बाहर ले लीजिए, नीचे 10 है, 3 प्लस 4 आई बाय 5 आ जाएगा, तो 3 बाय 5 अलग कर लीजिए, प्लस 4 आई बाय 5, इसका कॉन्जुगेट हो जाएगा 3 बाय 5 माइनस 4 आई बाय 5, ये जो आई वाला टर्म है, जो ये वाला टर्म है, इसको बस नेगेटिव कर लीजिएगा, ये नेगेटिव हो गया, ये आपका कॉन्जुगेट हो गया। अब 3 माइनस 2 आई ऊपर जो है, ऊपर भी हम पहले मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे भी फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे, और उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे, फिर एक और बार करना पड़ेगा, इसको देखिए कैसे, ऊपर मल्टीप्लाई कर लेंगे ये वाला, ये मल्टीप्लाई करेंगे और फिर रिजॉल्व करेंगे, नीचे वाले भी कोई भी प्रॉपर मल्टीप्लाई करेंगे हर एक टर्म को, हमारा ये 12 प्लस 5 आई बाय 4 प्लस 3 आई आ गया, ऊपर नीचे आप 4 माइनस 3 आई से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 माइनस 3 आई, तो ऊपर नीचे जब 4 माइनस 3 आई से करेंगे तो नीचे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया है ना, सीधा आप 16 4 4 जा 16 प्लस 3 3 जा 9 ये कर लेंगे, फिर ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 16 माइनस 16 आई आ गया, अब देखिए माइनस है, इसको बस इस माइनस को प्लस कर दीजिए, आपका उत्तर आ जाएगा, इस माइनस को प्लस करेंगे यही आपका कॉन्जुगेट हो जाएगा। ये अगला सवाल है, इसमें हमको ये मल्टीप्लीकेटिव इन्वर्स निकालना है, मल्टीप्लीकेटिव इन्वर्स, तो मल्टीप्लीकेटिव इन्वर्स का मतलब क्या होता है, जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई अगर कॉम्प्लेक्स नंबर है तो मल्टीप्लीकेटिव इन्वर्स होता है जेड को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करें ताकि वन आ जाए, तो मान लीजिए जेड इन्वर्स है तो क्या बनेगा, ये जेड इन्वर्स निकालना है तो वन बाय जेड करना है, तो जो भी टर्म है इसको हम वन बाय जेड, जो भी टर्म हो इसको वन बाय कर देंगे, कहने का मतलब कि अगर आपके पास वन बाय जेड है, जैसे जेड एक्स प्लस वाई है, वाई आई वाई आएगा, ऊपर नीचे x माइनस आई एक्स माइनस आई वाई एक्स माइनस आई वाई, यानी कि रैशनलाइज करिए, ऊपर तो x माइनस आई वाई आ जाएगा, नीचे आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा, फिर इसको अलग कर लीजिए, इन दोनों को अलग कर लीजिए, एक्स बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आई, तो वन माइनस आई है, सबसे पहले क्या करेंगे इसको सीधा फॉर्मूले में रख दीजिए, आप देखिए ये फॉर्मूला डायरेक्ट यूज कर सकते हैं क्योंकि बार बार ये कंप्लीट कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं है, ये x यहां पर 1 हो गया और y यहां पर माइनस 1 हो गया, बस यहाँ एक्स की जगह वन रखिए, देखिए यहाँ रखा गया है, वाई की जगह माइनस वन रखिए और इसको सॉल्व करिए, ये जेड इन्वर्स आ जाएगा, ये जेड है वन प्लस आई रूट थ्री, तो पहले इसको उस फॉर्म में लाना पड़ेगा आपको, तब हम करेंगे, वन प्लस आई रूट थ्री को डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर सकते, वन प्लस आई रूट थ्री का होल स्क्वायर है, इसको पहले स्क्वायर करिए, स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी का फॉर्मूला लगाइए, यहाँ तक आएगा, अब यहाँ पर ए जो एक्स है वो माइनस टू लेंगे आप और वाई आप लेंगे टू रूट थ्री और इस फॉर्मूले में रख देंगे जो मैंने आपको अभी बताया था, इस फॉर्मूले में एक्स और वाई रख दीजिए, एक्स की जगह क्या लेंगे माइनस टू वाई की जगह टू रूट थ्री और ये आपका रिजॉल्व करके आ जाएगा, फिर इसी तरीके से फोर माइनस थ्री आई है तो इसका करना क्या है, ए एक्स आपका फोर है वाई आपका माइनस थ्री है, फॉर्मूले में रख दीजिए ये आ जाएगा, इसी तरीके से रूट थ्री रूट फाइव प्लस थ्री आई है, इसमें भी कुछ नहीं करना है, एक्स आपके पास रूट फाइव है वाई आपके पास थ्री है, फॉर्मूला आपके पास है ही जो यहाँ पर करके बताया, ऊपर नीचे जब एक्स माइनस आई एक्स माइनस वाई वाई से मल्टीप्लाई किया तो फाइनली जो आया उसको हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, ये फॉर्मूला आपको इस जो पार्ट है इस एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन है फोर है उसमें क्या लिए फॉर्मूला लगा देना है, यहाँ पर भी आप एक्स की जगह रूट फाइव वाई की जगह थ्री रखिए आपका ये आ जाएगा।
नेक्स्ट वाला है आपका, ये इवैल्यूएट दी फॉलोइंग है, इवैल्यूएट दी फॉलोइंग। तो हम क्या करेंगे, इस वाले सवाल को हम अगली बार देखते हैं, नेक्स्ट बार देखेंगे, क्योंकि ये जो है Z1 और Z2 दिया है, इसमें हमको फाइंड करना है ये इसकी वैल्यू, तो हम इसको अगली बार देखते हैं। तब तक के लिए शुक्रिया, मेहरबानी आप सभी की।